दिल्ली नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की ओर से एक और झटका लगा है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निजी डॉक्टर से परामर्श लेने की इजाज़त की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने राव जेवनी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर से नियमित मुलाकात और इंसुलिन मुहैया कराने की याचिका की थी। राव जीवनी कोर्ट ने केजरीवाल की प्राइवेट डॉक्टर से नियमित मुलाकात की मांग खारिज की है। कोर्ट ने केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए एम्स डायरेक्टर के नेतृत्व में पैनल गठित किया है। एम्स का पैनल ये तय करेगा कि केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या नहीं। केजरीवाल ने अपनी याचिका में मांग की थी अपनी पत्नी की मौजूदगी में उन्हें डॉक्टर से नियमित 15 मिनट की मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की मांग को लेकर कोर्ट ने कहा एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और इस पर फैसला लेगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल डायबिटिक हैं और आम आदमी पार्टी लगातार उन्हें तिहाड़ जेल में इंसुलिन देने की मांग कर रही है। इसे लेकर कोर्ट में ईडी और केजरीवाल के वकील के बीच लंबी बहस भी चली। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तिहाड़ जेल का प्रशासन दबाव में आकर झूठ बोल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। केजरीवाल ने यह भी लिखा कि डॉक्टरों ने उनके शुगर लेवल को लेकर कभी भी ये नहीं कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।